ओके दोस्तों, फटाफट आइए, जल्दी जल्दी आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के खेले की। आइए दोस्तों फटाफट आइए, किसको ब्लॉक करना है, कौन ब्लॉक होना चाहता है, जल्दी जाइए फटाफट, अपने अपनी संख्या बढ़ाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आज के क्विज का सेशन, और शुरुआत कर दीजिए रजिस्टर करना। पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल चुका है, जल्दी से आइए फटाफट शेयर कर दीजिए, सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं सबके सब शेयर करें। फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने जल्दी शेयर करिए फटाफट। स्वागत है आप सबका मेंटी क्विज में, और मैं आपके साथ यहां पे प्रेजेंट हूं। शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए फटाफट आइए, कहां गए आप सब, जल्दी से आ जाइए फटाफट, रजिस्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने फॉर्म रजिस्टर कैसे करना है बता दूं, रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल सा ही काम करना है, अपने फॉर्म में अपने फोन में क्रोम पे जाके टाइप करना है menti.com, या लैपटॉप पे या घर वालों का फोन ले लीजिए उधार और टाइप कर दीजिए menti.com, क्रोम में जाके टाइप करिए menti.com, menti.com, जैसे टाइप करेंगे तुरंत वहां पे जाके आपके पास कोड आएगा, आपसे कोड मांगेगा ज्वाइन करने के लिए, क्लिक करने पर जब आप पे कोड डालोगे तो कोड डालेंगे 6203479 6203479, जैसे ही आप कोड डालेंगे तुरंत आप मेरे को से पार्टिसिपेट कर देंगे दोस्तों, फटाफट आइए जल्दी जल्दी आइए दोस्तों। कहां इतना देर होगी, अरे बस पूछ मत, आंख लगाई थी, जल्दी आइए फटाफट आइए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खेले की, शुरुआत करेंगे फटाफट आइए। ओ सही, लेट हो गया, सो अगले दो मिनट में हम आज के क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं, ज्यादा देर करेंगे नहीं, नेक्स्ट टू मिनट्स हम इस क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्विज का टॉपिक है कंडक्टेंस, और कल होगा कोऑर्डिनेशन की क्विज, कल की क्विज होगी कोऑर्डिनेशन पे, कल की क्विज होगी कोऑर्डिनेशन पे। फटाफट संख्या बढ़ाइए, रजिस्टर करिए, जितने बच्चे यहां प्रेजेंट है सबके सब रजिस्टर करिए फटाफट दोस्तों। अच्छा बहुत दिनों में आए हो ऋषभ, सब ठीक है, दूर रहिए आप, बाहर मत जाइए, कोविड से दूर रहिए जितना हो सके, बहुत बेकार रहा था, हम सब पहले ही करें। नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन है, आज कंडक्टेंस है कल कोऑर्डिनेशन है, तो दोस्तों जो भी रह गया जल्दी से आ जाइए, आखिरी के दो मिनट बचे हुए हैं फिर हम आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कमेंट में सब पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ मत करिए, पढ़िए बस, सिर्फ पढ़िए, घर रहिए, सेफ रहिए, कल का टॉपिक बता दिया मैंने, जल्दी से संख्या बना लीजिए दोस्तों। फटाफट आइए, जल्दी जल्दी आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। सर एक वीक से पहले पड़े हुए हैं, मतलब सब ठीक है ना भाई, पहले मतलब कोरोना वोरोना हो गया क्या, आएंगे आएंगे श्वेता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कल होगा, टेलीसेक्ली भी कराएंगे रोज, जल्दी कराएंगे, टेंशन ना लो, टेलीसेक्ली की भी क्विज होगी। फटाफट पहले अपना संख्या बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके, जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल को, और जो डेली आते हो लाइक तो कर दो, फटाफट जाके लाइक करिए। सर आप घर से कैसे आते हो, घर जाते ही नहीं आ रहे, मेरा घर ऊपर ही है इस बिल्डिंग के, इसी बिल्डिंग में घर है भाई, तभी आता हूँ यहाँ पे, और मैं कौन सा एरोप्लेन लेके आता हूँ यहाँ पे, कहीं जाना नहीं होता, मैं यही रहता हूँ, ओके सो जिनकी भी क्लास हम यही रहते हैं। फटाफट आइए दोस्तों, फटाफट आइए, 114 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, बाकी बचे हुए भी लाइक कर दो, सबके सब जितने बच्चे बैठे हुए हैं लाइव सबके सब लाइक करिए, लाइक तो सबके सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कमेंट में चैनल को। हाँ आज मैराथन है दोस्त, पूजा आज मैराथन है, मैराथन होगी आज, आज मैराथन लेंगे हम, बहुत बढ़िया। कोरोना में कैसे जिंदा रहे, खुद को कोरोना से बचा के दूर रह के घर पे रह के, घर पे रहिए और कुछ नहीं करिए, फिजिकल स्पेक्ट्रम का भी करा दो, करा देंगे टेंशन ना लो, कल कोऑर्डिनेशन है उसके बाद करेंगे, वन बाय वन चलेंगे, नहीं दीक्षा मैं रसल में कर रहता हूं,
किसने कहा राजस्थान में रहता हूँ, मैं तो यही रहता हूँ। आज मैराथन है, बिल्कुल है, आज मैराथन होगी, बिल्कुल होगी सर। अमर सर, अरे अभी तो फिलहाल सब यहीं पे रह रहे हैं ऊपर ही। वैसे परमानेंटली पता नहीं क्या। ध्यान रख भाई ऋषभ, ध्यान रख अपना, ऑक्सीमीटर साथ रखो, और कोविड के केसेस में ऑक्सीमीटर की बहुत जरूरत है भाई, ऑक्सीमीटर साथ रखिए। फटाफट आइए, चलिए आज के इस क्विज की हम शुरुआत करते हैं। 128 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, वाले हैं भाई, फिर तो हो ही गया, चेकअप कराइए और सेफ रहिए घर पे, अवॉइड करिए दूसरों से मिलना जुलना भी। चलिए आज की इस क्विज की शुरुआत करते हैं, फटाफट जाइए अपनी स्क्रीन पे और जाके चेक कर लीजिए अपने अपने, पहचान लीजिए अपने अपने नाम को, जाइए फटाफट फटाफट जाइए दोस्तों, फटाफट अपने अपने नाम को लिख लीजिए, और वही नाम यूज करना जो आपका एक्चुअल नाम है दोस्तों, जो आपका एक्चुअल नाम है वही नाम यूज करना। हाँ अभी तक तो ठीक है भाई, सुमित सर अभी ठीक होके आए हैं थोड़े दिन पहले, उनको हो गया था कोरोना, वेश सर को हुआ है, वो भी ठीक हो रहे हैं अभी। ओके दोस्तों फटाफट आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, सेफ रहिए। हाँ अरे यही है बस, घर ही अपना ही। ओके चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, चलिए आज के क्विज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, फटाफट जाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी आपको बताना है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है, बट उसके अंदर आप चेक करिए नंबर ऑफ आयंस की, आप देख लीजिए एसिटिक एसिड आपके पास है, क्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, फ्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, साइज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है दोस्तों, यहां पे खेला इसी तरीके से होगा। कैसे चूज करें सिलेक्शन सर, दिनेश कुमार क्या चूज करना है, क्विज क्विज से पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, क्विज से पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने फोन में क्रोम खोलिए पहले तो, या कोई भी ब्राउजर आपके पास जो है वो खोल लीजिए, या अपने घर वालों का फोन ले लीजिए, उसमें टाइप करना फिर menti.com, menti.com, जैसे ही menti.com टाइप करेंगे एंटर मारेंगे पहला लिंक आएगा ज्वाइन क्विज, ज्वाइन क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कोड मांगेगा, कोड डाल देना 6203479, 6203479 इज द कोड, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, और 70 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, बाकी ने तुक्के मारे हैं, शर्म कर लो तुक्के मारने वालों, तुम सबका नाम बताने लग जाऊं तो यहां पे मैं क्या होगा फिर, यहां पे तुक्के ना मारी। हिमाद्री साहब टॉप पे है, रोशन सवर्णा राखी शुभ घोष बालू टेड चितन्या सौरभ घोष ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, क्या ये टॉप 10 स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे आज। एनआईटी काउंसलिंग निकलने वाले मई में शुरुआत होती है, वेबसाइट चेक करते रहिए सीसीएमएन की। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, द कंपाउंड एग्जिबिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन अ फ्यूज स्टेट इज, फ्यूज स्टेट में इनमें से कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम कंडक्टिविटी दिखाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रखी है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी होगी इनमें से ये बतानी है दोस्तों आपको। SRCl2, CaCl2, MgCl2, BeCl2 कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 123 बच्चे ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, 124 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, 127, 128 समय सीमा अभी भी बची हुई है, 129, 131, 132, 133, बहुत सारे जितने बच्चे यहां लाइव प्रेजेंट है सबके तक वीडियो को लाइक करिए और सबके सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार केम एकेडमी के साथ जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पहली बार मेरे साथ यहां पे इस मेंटी क्विज का मजा ले रहे हैं तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, बार बार हम कह रहे हैं बहुत बेकार हालत है, बाहर मत जाना, घर पे बैठ के पढ़िए, केम एकेडमी के साथ पढ़िए आराम से बैठ के,
एक दूसरे के साथ कंपटीशन करिए यहाँ पे क्विज के अंदर। चलिए ओके, ए इज द करेक्ट आंसर एंड 53 स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाए। चले देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कौन टॉप 10 में रहेगा कौन नहीं रहेगा। रोशन, हिमाद्री, शुभ घोष, हर्षल बना चुका है, सौरभ घोष, चितनिया, केविश, मंजीश, अनुजा, देव, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। आइए आगे चलते हैं क्या होने वाला है थर्ड क्वेश्चन में, एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, द करेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे LiCl, NaCl एंड KCl में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या क्या कहानी होगी, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। Cl आपका कॉन्स्टेंट है, Li, Na और K का आप अक्सर यहाँ पे साइज कंपैरिजन करेंगे, तो बताइए क्या होगा खेला, क्या होने वाला है खेला। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। सज्जन के लिए और गेली कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कहां से, मतलब बुक पूछ रहे हो या फिर टॉपिक पूछ रहे हो। सुनंदिता, टॉपिक पूछ रहे हो बुक पूछ रहे हो। बहुत बढ़िया, बता दीजिए फटाफट, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही है, कल का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कल का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दोस्तों, एंड आई थिंक शुभ घोष फर्स्ट पे है, केमिस्ट सेकंड पे है, सौरभ घोष थर्ड पे है, हर्षल फोर्थ पे है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी फटाफट। कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड करती है, इंक्रीज या क्या होता है उस पे, चेंज क्या आता है। इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऐसा पूछ रहा है। ओके, डज नॉट चेंज कंसिडरेबली ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होती है। डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या होने वाला है खेला। हाउ टू ज्वाइन इन दिस क्विज, अभिषेक पूछ रहा है क्या, या हु टू ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी कर सकता है, केमिस्ट्री जो प्यार करता है कर सकते हो, चाहे 11th में हो, 12th में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे पीएचडी में हो। अगर क्योंकि टॉपिक तो कॉमन है, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, तो फटाफट जो बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए menti.com पे, अपने फोन में टाइप करिए menti.com, जो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं कहना चाहूंगा कि आपको आंसर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे देना है, टाइप करें menti.com, menti.com, जैसे टाइप करेंगे आप अपने फोन में क्रोम पे, वहां पे ऑप्शन आएगा ज्वाइन क्विज के नाम से, ज्वाइन क्विज में कोड डालना 6203479, जैसे इसको डालेंगे आप मेरी क्विज से पार्टिसिपेट करेंगे। सबके सब लाइक हो गए, सबके सब फटाफट जल्दी से लाइक हो गए सबके सब। ओनली 40 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, लेट्स मूव ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ टू ज्वाइन मैंने बता दिया, menti.com टाइप करिए अपने क्रोम पे, वहां पे जाके कोड डाल दीजिए ज्वाइन क्विज में जाके। तो शुभ घोष फर्स्ट पे, केमिस्ट सेकंड पे, हर्षल थर्ड पे, अनुजा, चैतन्या, देव, एनके, हंबर, गौरव एंड डूडी, दे आर द टॉप 10 स्टूडेंट। यानी ऐसे पता लग रहा है कि आज के क्वेश्चन आप सबको आते हैं और आप सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के क्वेश्चन में। If equivalent conductance of one molar benzoic acid is 12.8, तुक्का मत मारना, ohm centimeter square, and if the conductance of benzoate ion H plus ions are, दे रखी आपको, its degree of dissociation, केडी पूछ रखा है दोस्तों, formula में apply करिए और answer निकाल दीजिए, application part से question आया है ये, application part से question आया है दोस्तों, लाहर स्लो, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए दोस्तों, कमेंट में नहीं, आपको menti.com पे टाइप करना है, कमेंट पे दोस्तों टाइप करना है, menti.com पे आप जाके आंसर दीजिए। ऑलरेडी 97 स्टूडेंट्स का आंसर दे चुके हैं, कुछ ने तो तुक्का मारा है। यहाँ पे तो आप सब दोस्तों यहां से
एक अच्छा अपने आप का कंपटीशन या अपना अपनी पोजीशन जान सकते हैं इस क्विज से। यहाँ के मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, जो कुछ नए भी हैं, कुछ टॉप पर भी हैं, तो आप इस पूरे सिनेरियो में अपने पोजीशन जान सकते हैं जो इस क्विज को खेलेगा। अदरवाइज फर्स्ट आने वाले को तो कैटेगरी फ्री कोर्स देता ही है, 2 से लेकर 10 वाले को 60% ऑफ मिलता ही है। और अगर मान लीजिए जो इन सब के लिए एलिजिबल नहीं है, जो बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट ऑलरेडी कैटेगरी स्टूडेंट है, वो आप जो है यहाँ पे रह के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों कैमिश अनुजा हम्बल गौरव सुबह घोष हरिचारण चतनिया दीक्षा दिमान सूरज देव यहाँ टॉप 10 स्टूडेंट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, खेलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने है, बहुत बढ़िया। कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें? बेसिक टॉपिक जीओसी, यू हैव टू स्टार्ट विद जीओसी। ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो जीओसी स्टार्ट करिए, जीओसी के बाद सीरियो या जीओसी के साथ साथ सीरियो। जब ये दोनों टॉपिक हो जाए देन गो फॉर द इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रेट बेंजाइन, देन गो फॉर द नेम रिएक्शन और एजेंट में से कोई भी कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक फिर तो बढ़िया हो जाएगी आपको। ओके पॉइंट 2 बोल रहा है कोई सॉल्यूशन में वेरी वीक एसिड दे रखा है यहां पे डिस्टिलेट दो, आओ हो बहुत बढ़िया। डिसोसिएशन कांस्टेंट फिर से यहां पे निकालना है दोस्तों, तो आप सब बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पेशेंस रखना, जल्दबाजी में आंसर मत निकालना, तुक्के मत मारना, थोड़ा सा कॉपी में सोल्व कर लीजिए, आराम से सोल्व कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम गिवन है यहां पे, 17 सेकंड अभी बचे हुए हैं, क्वेश्चन का सही होना जरूरी है बजाय कि क्वेश्चन का तुक्का मारना। तो दोस्तों यस दिस इज फॉर जैम 2022 यस हेल्पिंग हैंड यस केम एकेडमी के साथ आप जुड़िए, और यूट्यूब के थ्रू या फिर केम एकेडमी के ऐप के थ्रू कोर्सेज के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जैम नेट गेट की। दोस्तों जेई नीट का बैच भी स्टार्ट हो गया, जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। दोस्तों 36 बच्चों ने सही आंसर दिया है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला खेला। बहुत बढ़िया दोस्तों, केमिस्ट फर्स्ट पे, सेकंड पे अनुजा, थर्ड पे सूर्य, चौथे पे हर्षल, पांचवे पे सुबो घोष, छठे पे चेतन्या, सातवें पे आशी, आठवें पे गीतिका हम्बल एंड लव साइड भाई साहब भी कुछ नाम रख के बैठे हैं यहाँ पे। पहले से क्लिक बस से बाहर है सर, मुकाश मुस्कान अगर पहले से क्लिक बस के बाहर है तो उसमें सर से जाके पढ़िए, ऑलरेडी चल रही है केमिकल में यूट्यूब चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रेडियो एक्टिविटी की मैराथन इसके जस्ट बाद होगी दोस्त, रेडियो एक्टिविटी की मैराथन इसके जस्ट बाद होगी। इस कैम एकेडमी टीचर इंग्लिश, यस अश्विनी श्रीराम, कैम एकेडमी इज गोइंग टू स्टार्ट इज इंग्लिश बैच एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन सून। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, गिव द आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, L3 पॉजिटिव की और X4 2 नेगेटिव की, आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन रेस्पेक्टिवली, क्या होगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जल्दी कमेंट बॉक्स में तो नहीं आपको Menti.com पे ऑप्शन चूज करके बताना है। यस यस इंग्लिश लेक्चर्स, इंग्लिश स्पेशल इंग्लिश लेक्चर बैच इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट इन द मिड ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है दोस्त अश्विनी। ओके तो टाइम थोड़ा कम रह गया इस क्वेश्चन का, ऑलरेडी 110 बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा मैराथन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा दोस्तों। तो सबके सब अपने अपनी संख्या बना लीजिए और फिर इसके बाद तुरंत जाएंगे मैराथन देखने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मैराथन देखने हम सब जाएंगे दोस्तों। 125, 126, 127, 128, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सही जा रहे हो दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। एंड ओनली कुछ गिने चुने ही बच्चे इसका सही आंसर दे पाए हैं। केमिस्ट इज ऑन टॉप, अनुजा सेकंड नंबर पे है, आशी थर्ड पे, लव साइड सूरज हरचाल सुबह चैतन्या गीतिका एंड हम्बर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन से आप अपनी पोजीशंस को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट आप कौन से ईयर के हो, कौन से किसके पूछ रहे हो सुभाषिता,
आईटीएल स्टडी मटेरियल पे एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं दोस्त, स्टडी मटेरियल पे नहीं होगा, बाकी सब पे हो जाएगा ऑनलाइन कोर्सेस में। पीके 45 शिनू, आप कौन से किसकी बात कर रहे भाई? The variation of equivalent conductance of strong electrolyte with concentration is represented by, आप जरा गौर से देखना, जल्दबाजी मत करना, कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे हाफ है, कॉन्सेंट्रेशन का हाफ है, स्क्वायर रेट दे रखा है, हालांकि उसने नीचे मेंशन भी कर रखा, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों। मोनिका, गेट का जो नया बैच स्टार्ट हुआ उसमें सिलेबस कब तक खत्म होगा? नवंबर तक खत्म होगा मोनिका, नवंबर तक खत्म होगा, नवंबर, मई वाले बैच का नवंबर में होगा, नवंबर एंड तक होगा, उससे पहले नहीं होगा, नवंबर एंड, पहले ही कह रहा हूं मैं, वो हमारी एक्सटेंडेड डेट है, हालांकि पहले भी हो सकता है, बट हम नवंबर एंड का देके चल रहे हैं। ओके दोस्तों, फटाफट ध्यान रखिए, जल्दी से फटाफट सोल्व करें इस चीज को, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओनली 6 सेकंड्स रिमेनिंग, और जब तक ये बात मेरी आप तक पहुंचेगी तब तक क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा। चलिए चलते हैं, वेरी गुड, बहुत सही, 73 स्टूडेंट 7 गिवन द करेक्ट आंसर, मतलब आज जितने बच्चे प्रेजेंट हैं काफी अच्छा रिजल्ट वो निकाल के ला रहे हैं दोस्तों। आप सब बच्चे जो प्रेजेंट हैं प्लीज लाइक करें सेशन को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए केमिकल एकेडमी चैनल को। इसके जस्ट बाद हम सब मिलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, सबके सब मिलेंगे इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अनुजा केमिस्ट, आशीष लवसाइट, सूरज अचरण, सुभोष, चैतन्य हंबर एंड डूडी, ये भाई साहब हमारे टॉप 10 में आ चुके हैं। देखते हैं क्या होगा, क्या वो आखिरी क्वेश्चंस में अपनी लाज बचा पाएंगे या नहीं। नौवां क्वेश्चन, फिर उसके बाद दसवां क्वेश्चन एंड नौवां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। ओजे 2 वालों को तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ऋषभ कुमार सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, बेफिक्र हो, बहुत बढ़िया दोस्तों। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज, इनमें से कौन सा फैक्टर कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, टेम्परेचर, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, बताइए कौन सा करता है? आपको बताना है कंडक्टेंस को, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को, इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, बताना है आपको दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बहुत बढ़िया, बताना है आपको, जल्दी से आंसर दीजिए। फटाफट बताइए दोस्तों, सिर्फ एक ही, ये क्वेश्चन का समय भी खत्म हो गया है और डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट आंसर, सबके सब इफेक्ट करते हैं। बहुत सही आंसर था, बड़ा सिंपल सा आंसर था, कल वाले फर्स्ट टॉपर को मिला कोर्स, सबको ही मिलता है दीपक सानी। अच्छा कल वाला वो नाम, एक्स्ट्रा नाम अभी तक आया नहीं उसका, कौन जब आएगा तब पकड़ेंगे उसको। केमिस्ट अनुजा, आशीष एंड लव साइड, सूरज, सुबोध, चैतन्य, अंबर, डूडी, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स है दोस्तों। दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मेटालिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरियस द इलेक्ट्रोलाइट, यस तहिरिनमा, डेली होती है एट 10 PM डेली क्विज होती है, 10 बजे डेली मेरे साथ मिलते हैं इस क्विज के अंदर। आखिरी क्वेश्चन आप सबके सामने है, लाइक कर दीजिए इसी बात पे, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो बच्चे पहली बार आए, और डेली आप मेरे से मिलिए इस क्विज में, इस महाक्विज में, और डेली आप बच्चों के साथ कॉम्पीट करके आप जज कर सकते हैं कि आप कहां लाई कर रहे हैं, कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हैं दोस्तों। भाई मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों के लिए आ चुका है ऋषभ, अब मैं पता नहीं सकता क्या कौन सा रहता है कौन सा नहीं, 2-3 क्विज रहती है, बाकी सबका तो हो चुका है, आखिरी की देख दो क्विज बची है, बाकी सबका तो हो चुका है। ओके दोस्तों फटाफट, व्हाट इज द फॉलोइंग, अजय तो क्वेश्चन बता चुका हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपको बताना है। The time limit has been crossed, और सिर्फ 22 बच्चे इसका सही आंसर दे हैं। Incorrect बताना था दोस्तों, incorrect ही बताना था, and incorrect statement बताया है
माय गॉड, ये केमिस्ट तो बड़ा टॉपर निकला कंडक्टेंस का। एंड कांग्रेचुलेशन मिस्टर केमिस्ट अनुजा सूरत आसी लव साइट सुबो गोज टेड भाई साहब चैतन्य हम एंड क्या ये लास्ट में बोला है हील है हील ऐसा जो झील है जो कि नाम है। तो कांग्रेचुलेशन आप सबको, पहले वाले को मिलता है केमिकल फ्री कोर्स और दो से लेकर 10 वालों को मिलेगा 60% ऑफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, कांग्रेचुलेशन मिस्टर केमिस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मिलते हैं अब इसके जस्ट बाद मैराथन में, मैराथन में मिलेंगे दोस्तों, मैराथन में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, मैराथन में मिलेंगे, मैराथन में मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, कांग्रेचुलेशन। कौन है ये केमिस्ट, आ जाइए सामने, थैंक यू सो मच, ये कौन सा केमिस्ट है भाई, आओ सामने, रियल नाम यूज करो तो बढ़िया दोस्तों। कॉल नहीं आया कभी सर, एक वीक हो गया, कौन सा किसका कॉल नहीं आया। कोमल, अगर आप, अगर आपके पास अब कॉल नहीं आया तो आप कॉल बैक करके एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको कंफर्म करके आपको दे देंगे जो भी आपका प्राइस होगा, है ना। ओके, कल की क्विज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कल की क्विज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जितने बच्चे यहां प्रेजेंट है तुरंत इसके बाद हम मिलेंगे किसमें, मैराथन में मिलेंगे, मैराथन में मिलेंगे, इसके जस्ट बाद मैराथन, 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 मेरी ही मैराथन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, जस्ट इसके जस्ट बाद हम मिलते हैं मैराथन में, कल की क्विज होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए केमिकल के साथ। इस लॉकडाउन में सेफ रहिए, कोरोना से दूर रहिए, केमिकल के पास रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।